प्यारे बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विज्ञान की बातें कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 प्राणियों में पोषण का अंतिम उप विषय पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से संबंध को समझेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मानव का पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, ये तीनों तंत्र एक दूसरे के साथ मिलकर परस्पर कार्य करती है एवं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके और वह अपने दैनिक जीवन की जैविक प्रक्रियाओं को कर सके। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन और वायु की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर के अंदर भोजन और वायु, ये दोनों को पहुंचाने के लिए अलग अलग तंत्र हैं। जैसा कि आप देख पाते हैं कि मानव का जो पाचन तंत्र है वह भोजन का पाचन करता है। पोषक तत्व जो हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं वे जटिल रूप से सरल रूप में पाचन तंत्र द्वारा परिवर्तित होता है। आप देख सकते हैं कि जो पाचन तंत्र में है, छोटी आंत द्वारा भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है और छोटी आंत में ही जो भोजन पचा हुआ भोजन होता है वह अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त केशिकाओं में जो भोजन है वह विसरित हो जाता है, यानी उस भोजन का डिफ्यूजन हो जाता है। पोषक तत्वों के साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है और यह ऑक्सीजन श्वसन तंत्र की सहायता से हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में पहुंचता है। और यह है परिसंचरण तंत्र, इसका काम है परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन और जो हमने भोजन में जो पोषक तत्व लिए हैं उसका परिवहन करना, उसे हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो बच्चों, अभी हमने ये तीनों प्रणाली यानी कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिवहन तंत्र को देखा। कैसे ये तीनों प्रणाली एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती है, कैसे ये एक दूसरे पर निर्भर है, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम मनीषा मैम के वीडियो को देखते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे जो अंग तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र, ये सभी अपना अपना कार्य करते हैं, परंतु सभी का कार्य एक दूसरे पर निर्भर करता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि पाचन तंत्र अपना काम कर रहा है, परिवहन तंत्र अपना काम कर रहा है, या हमारा जो है श्वसन तंत्र वो अपना काम कर रहा है, बल्कि ये तीनों का काम एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से मिला हुआ है। आज हम इस वीडियो में पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से संबंध को समझेंगे कि कैसे ये सारे तंत्र का कार्य, या यूं कहें कि ये सारे तंत्र एक दूसरे से संबंधित हैं। तो हम शुरू करते हैं कि जैसे ही हम भोजन किए, भोजन अपने शरीर में ग्रहण किए, वो पाचन तंत्र में आया और पाचन तंत्र के अमाशय में होते हुए ये पचत होते हुए ये छोटी आंत में आता है, जहां पर छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब छोटी आंत में इस भोजन का, छोटी आंत के दीवार में जो अंगुली नुमा आकार होता है उससे इस भोजन का अवशोषण होता है, और ये अवशोषण होकर ये कहां जाता है, उस दीवार की में जो रक्त केशिकाएं हैं, रक्त की पतली पतली नलियां हैं, वहां वो बचा हुआ भोजन वहां चला जाता है और वहां के रक्त में चला जाता है। अब रक्त उस भोजन को कहां लेकर जाता है, कोशिका में। आपको पता है हमारा पूरा शरीर कोशिका का बना है और हमारा हर एक कोशिका काम करता है तब हमारा ये शरीर काम करता है। हमें ऊर्जा भी कोशिका से मिलती है, कोशिका में ही इस भोजन का
कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में इस भोजन को टूटकर जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है जो एटीपी के रूप में मिलता है। अब भोजन के टूटने से आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। अब यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड को फिर रक्त जो है वो लेकर फेफड़े में जाता है और हृदय में जाता है और हृदय से फिर ये जो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है ये फिर हमारे फेफड़े में जाता है और फेफड़े में फिर वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और वहां के ऑक्सीजन से मिल जाता है और फिर ये शुद्ध ऑक्सीजन जो है वो हमारे हृदय में आता है और फिर हृदय से फिर पुनः कोशिका में आता है। तो कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि वो जो पचा हुआ भोजन है उस भोजन को तोड़कर ऊर्जा देने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हमारे फेफड़े से आता है। अब फेफड़े से ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना या पूरे शरीर के हर कोशिका से जो अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़े में पहुंचाना, यह पूरा काम हमारा रक्त करता है और रक्त अपने आप नहीं करता। इस दोनों को ले जाने, ऑक्सीजन को ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने, ये सारा का काम करने में हमारे हृदय की भूमिका है, हमारे संवहन तंत्र की भूमिका है। ये हृदय एक पंप है, जिस तरह से हमारे घर का पानी का पंप जमीन के अंदर से पानी को लेकर टंकी में आता है फिर टंकी से पूरे नल तक ले जाता है, उसी तरह से ये हृदय भी हर कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त को अपने पास लाता है और वहां से वो फेफड़े में साफ होने के लिए भेजता है और जब फेफड़े में उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है तो उस रक्त को पुनः हृदय अपने में लेता है और फिर पंप करता है जिससे कि वो सब कोशिका में पहुंच पाए। तो इस तरह से आप देखें, अब कोशिका में वो तभी वो पहुंचेगा तभी हमारा पचा हुआ भोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूट कर हमारे हमको ऊर्जा देगा और हमें ऊर्जा देगा। कोशिका में ऊर्जा जो निकलती है और वही ऊर्जा हमें होती है और हम किसी कार्य को कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा पाचन तंत्र, हृदय, फेफड़ा या हम कह सकते हैं पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र मिलजुल कर काम करते हैं जिससे कि हमें अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा मिल पाए। आशा है कि आपको ये तीनों के संबंध को आप समझ पाए होंगे। आशा करती हूँ बच्चों, इस वीडियो के बाद पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से संबंध को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने जाना था कि जंतुओं में भोजन के अंतःग्रहण करने की अनेक विधियां होती हैं। अमीबा में भोजन अंतःग्रहण से लेकर निष्कासन तक की सभी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा संपन्न होता है। बहुकोशिकीय जीव मानव में पोषण एवं पाचन तंत्र की जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद हमने मानव के चार प्रकार के दांतों को देखा, जिसमें कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक को भी जाना था। जीभ में स्वाद के लिए विभिन्न स्वाद कलिकाएं होती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि अमाशय में पाचक रसों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन सरल पदार्थों में विघटित हो जाती है। छोटी आंत में खाद्य पदार्थों का पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। हमने यह जाना कि घास खाने वाले जंतु रोमंती कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल जाते हैं, परंतु कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है, जिसे जंतु धीरे धीरे जुगाली करते हैं। मानव पाचन तंत्र में हमने उसके विभिन्न भागों को देखा था, जिसमें मुख गुहा का, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और अंत में मलाशय में समाप्त होती है यह जाना।
मनुष्य पाचन तंत्र में मुख्य पाचक रस जो स्रावित होता है वह होती है कुछ मुख्य ग्रंथियों से, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय ग्रंथि को जाना। इस प्रकार अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण और निष्कासन मानव पाचन तंत्र के प्रक्रम है। तो बच्चों, आशा है आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।